आज मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट पानी पूरी। गेहूं का आटा, रवा, थोड़ा सा नमक और सोडा, और इस आटे का हम डो बना लेंगे। दो टुकड़े अदरक के, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, गुड़, काला नमक, नमक, पानी पूरी का मसाला, इन सबको हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू और इसे हम छान लेंगे छन्नी में। मीठी चटनी बनाने के लिए इमली, गुड़, सौंठ, मिर्ची पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक, इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। उसके बाद हम इसे छन्नी में छान लेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए सफेद चने, आलू, थोड़ा सा नमक और हल्दी। इसे हमें कुकर में बॉईल करना है। तो अब हम इसे निकाल कर इसे बघार देंगे। जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसका हम रोटी की तरह शेप दे देंगे। पूरी के शेप में लाने के लिए हमको कोई ढक्कन या किसी चीज का इस्तेमाल करना है। मैं डालूंगी तेल, इसे हमें अच्छी तरह से हीट होने देना है। उसके बाद हम इन पूरियों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं लूंगी पूरी, इसमें हम डालेंगे रगड़ा, यम्मी वाली मीठी चटनी, तीखी वाली चटनी, और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। हम लेंगे दही और उसमें डालेंगे हम शक्कर। उसके बाद हम पूरी रख कर उसमें सबसे पहले हम डालेंगे बूंदी, फिर नेक्स्ट हम डालेंगे रगड़ा, प्याज, तीखी वाली चटनी, ये मीठी वाली चटनी, इसमें डालेंगे दही, थोड़ा सा चाट मसाला, उसमें डालेंगे सेब, चना, मूंगफली भी आप उसमें डाल सकते हो, और उसके बाद हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से। तो ये हमारा दही पूरी बनके रेडी है।